भाइयों बहनों, आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश में आज सुप्रीम कोर्ट में तीन महिला सुप्रीम कोर्ट में जज हमारी बैठी हुई हैं। कोई भी भारत की नारी गर्व कर सकती है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में आज तीन महिला माननीय न्यायाधीश आज हमारे देश को न्याय दे रही हैं। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, आजादी के बाद ये पहली कैबिनेट है जिसमें सर्वाधिक महिलाओं को स्थान मिला है। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बेटियां, बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं, जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं। देश की महिलाएं नए और शक्तिशाली भारत के निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। हमारी मां बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है। खेत से लेकर खेल के मैदान तक हमारी महिलाएं हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ऊंचा कर रही है। सरपंच से लेकर के संसद तक हमारे देश की महिलाएं देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। स्कूल से लेकर के सेना तक हमारे देश की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं अपने पराक्रम से आगे बढ़ रही हो तो कभी कभी विकृतियां भी हम देख रहे हैं, और महिला शक्ति को चुनौती देने वाली राक्षसी शक्तियां भी कभी कभी उभर करके आ जाती है। बलात्कार पीड़ादायक है, लेकिन बलात्कार की शिकार उस बेटी को जितनी पीड़ा होती है, उससे लाखों गुना पीड़ा हमें देशवासियों को, देश को, जनता को, हर एक को लाखों गुना पीड़ा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये राक्षसी मनोवृत्ति, उससे समाज को मुक्त कराना होगा, देश को मुक्त कराना होगा। कानून अपना काम कर रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों के केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा होगा। हमें इन खबरों को प्रचारित करना चाहिए। अब फांसी पर लटकना तय हो रहा है, ये अब लोगों को पता चलना चाहिए, और राक्षसी वृत्ति की मानसिकता वालों को भय होना चाहिए। हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता है, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही सोच, यही विकृति अक्षम्य अपराधों को जन्म देती है, और उसे हमें, हमारे लिए सुप्रीम है रूल ऑफ लॉ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं दिया जा सकता है। और परिवार में भी, स्कूलों में, कॉलेज में, प्रसार माध्यमों में हमारे बच्चों की, हमारी नई पीढ़ी फूल जैसे नादान बच्चों की परवरिश ऐसे हो ताकि उसके रगों में संस्कार हो महिलाओं का गौरव करने का, उसके दिल दिमाग में भरा हो कि महिलाओं का सम्मान ये जीवन जीने का सही तरीका होता है, नारी का गौरव ये जीने का सही रास्ता हो सकता है। ये हमें परिवारों में भी ये संस्कार देने होंगे।
भाइयों बहनों, मेरी मुस्लिम महिलाएं बहनें, उनको मैं आज लाल किले से विश्वास दिलाना चाहता हूं। तीन तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है, और जिनको तलाक नहीं मिला है वो भी इस दबाव में गुजारा कर रही है। इस सत्र में भी हमने पार्लियामेंट में कानून ला करके हमारी इन महिलाओं को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे पारित नहीं होने देते हैं। लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा, और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा।